2021 में खाद्य तेलों की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल चुकी है। सरकार ने खाद्य तेलों की तेजी को थामने के लिए काफी प्रयास भी किए हैं। हाल ही में सरकार ने ड्यूटी में कटौती भी की, लेकिन विदेशों में उसी अनुपात में दाम बढ़ा दिए गए, जिससे कुछ फायदा होता नहीं दिखाई दिया। भारत खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बना है और अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। इसलिए विदेशों में खाद्य तेलों में मंदी तेजी का असर भारत में तेल तिलहन की कीमतों पर भी पड़ता है। वहीं बात करें अगर घरेलू वायदा बाजारों की, तो NCDEX पर रिफाइंड सोया तेल पर बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा का कहना है कि रिफाइंड सोया तेल NCDEX पर 1150 के नीचे के लेवल टेस्ट होने के बाद 1175 की क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है और ये तेजी आगे और भी देखने को मिल सकती है। अमित सजेजा के मुताबिक रिफाइंड सोया तेल में निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है और 1190 से 1215 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।